28 देखिए, यहाँ पे देखो ऊपर भी क्यूब में है, नीचे भी क्यूब में है, उचित परिमेय फलन नहीं है। पहले इसको सिंप्लीफाई करके डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो पहले तो ऊपर इंटू करो और फिर नीचे भी इंटू करो और देखो क्या आता है, तब ना गुना करोगे भैया। चलिए मैं साइड से पहले इंटू करके फिर एक ही बार मान ले लेता हूँ। तो क्या आएगा, ऊपर इंटू करने पे आएगा आपका एक्स क्यूब माइनस का 6x² प्लस का 11x माइनस का 6, और नीचे वाले का आएगा एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस का 11x प्लस का 6। एक बार में ले जाएंगे एक्स क्यूब प्लस 6x², ठीक है, प्लस 11x प्लस 6, साइन बदलते हैं, माइनस 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 माइनस, यह कट जाएगा, 11x भी कट जाएगा, यहाँ माइनस का 12x², ठीक है, और माइनस का 12 हो जाएगा। तो माइनस 12 यहाँ से कॉमन कर लिया जाए, यहाँ बच जाएगा x² और माइनस का 1, x² प्लस का 1 हो जाएगा, सॉरी x² प्लस का 1 आ जाएगा। यानी कि मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 12 इंटू में x² प्लस 1 और बटा में आपका x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, डी एक्स। चलिए तो यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इसका 1 का x हो जाएगा, मैं सीधे इसका x लिख देता हूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन का सिंबल हटा के, माइनस 12 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दो, बच जाएगा x² प्लस 1 और बटा में एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 डी एक्स। चलिए हमें इसे बनाना होगा, बाकी सब तो हो ही गया यहाँ पर। चलिए यहाँ मान लेते हैं लेट x² प्लस 1, ठीक है, x² प्लस 1 यही ना है जी, x² प्लस 1 बटा में x प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस 2 इंटू में एक्स प्लस 3 बराबर में a बटा में x प्लस 1, b बटा में x प्लस 2 और प्लस c बटा में x प्लस 3, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब RHS में इधर LCM लेते हैं, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। x² प्लस 1 बटा में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर में इधर LCM ले लेते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, यहाँ डिवाइड होगा, ये दोनों जाके ऊपर इंटू करेगा, तो हो जाएगा a इंटू में एक्स प्लस 2 इंटू में एक्स प्लस 3, ठीक है, और प्लस b इंटू में, देखो इसमें से डिवाइड करेंगे, यह दोनों जाके ऊपर इंटू करेगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, और प्लस c इसमें डिवाइड करेंगे, यह दोनों जाके उसमें इंटू करेगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। चलिए अब देखिए यह और यह कट जाएगा, तो यहाँ से x² प्लस 1 ऐसे ही रहने देते हैं, इतना से ही हमारा काम चल जाएगा। अगर मैं x के जगह पर माइनस 1 रखता हूँ, तो माइनस 1 रखने पे देखो यह 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा, यहाँ देखो माइनस 1 रखने पे घट के आपका 1 आ जाएगा और यहाँ घटेगा तो आपका 2 आ जाएगा। तो 2a बराबर में माइनस 1 रखने पे माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 1 2, यानी a का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, a का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब b के वैल्यू की बात करते हैं, तो अगर मैं x के जगह पर माइनस 2 रखूँ, माइनस 2 रखने पे यह 0 हो जाएगा और यह भी 0 हो जाएगा, माइनस 2 रखने पर यह माइनस 1 आएगा और यहाँ प्लस 1 आएगा, यानी माइनस b, माइनस b बराबर माइनस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर 4 और एक 5 हो जाएगा, यानी b का वैल्यू जो होगा वह माइनस का 5 हो जाएगा, b का वैल्यू माइनस का 5। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं x बराबर अगर माइनस 3 रख लूँ, उसी के लिए निकाल रहा हूँ, माइनस 3 रखूंगा तो यह 0, यह भी 0, माइनस 3 रखूंगा तो यहाँ देखो माइनस का 2 आएगा, माइनस 3 रखूंगा तो यहाँ माइनस का 1 आएगा, तो माइनस का 2 और माइनस का 1 तो 2c हो जाएगा। बराबर में यहाँ पे माइनस 3 रखूंगा तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 9 1 हो जाएगा 10, यानी कि c का वैल्यू आ जाएगा 5, c का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, 5। चलिए तो अब हम लोग इसमें इंटीग्रेशन लगा देते हैं दोनों तरफ। चलिए तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, x² प्लस 1 बटा में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 डी एक्स, फिर a बटा में x प्लस 1 डी एक्स प्लस b इंटीग्रेशन ऑफ b बटा में x प्लस 2 डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ c बटा में x प्लस 3 डी एक्स, यही ना हो जाएगा आपका।
चलिए अब इसके बाद देखते हैं ए का वैल्यू कितना है। तो ए का वैल्यू 1 है, तो 1 बटा में एक्स प्लस 1 डी एक्स माइनस, यहाँ देखियो फिर प्लस है, बी का वैल्यू माइनस 5 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 बाहर निकाल देते हैं, 1 बटा में एक्स प्लस 2 डी एक्स, और सी का वैल्यू है 5, 1 बटा में एक्स प्लस 3 डी एक्स। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ पर कर देते हैं। तो चलिए अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉग एक्स प्लस 1 माइनस 5 लॉग एक्स प्लस 2 प्लस 5 लॉग एक्स प्लस 3। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमारा जो ऊपर आया था उसको निकाल देते, हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना था और इसके बराबर मैंने इसको लिखा है। चलिए इस पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, हमें इंटीग्रेशन निकालना था x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3 बटा में x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 इंटू में x प्लस 3 डी एक्स, बराबर में मैंने लिखा था x माइनस 12 फिर इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बटा में x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, यही ना दिया है। चलिए तो इसके जगह पे मैंने जो इंटीग्रेशन निकाला है वह रख देता हूँ, तो x माइनस 12, अच्छा देखो यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या है, यहाँ पे log x प्लस 1 माइनस 5 log, अच्छा मैं ये 5 को पावर में चढ़ा सकता हूँ ना, log क्या हो जाएगा यहाँ पर x प्लस 2 का पावर 5 और प्लस log log यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3 का पावर 5। ठीक है, चलिए और प्लस में सी। अब देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ माइनस अंदर लेके चला दो क्योंकि आंसर में आपके प्लस में दिया, तो प्लस का 12 हो जाएगा, अब अंदर जो होगा ना माइनस वाला प्लस में चला जाएगा और प्लस वाला माइनस, तो ये माइनस वाला प्लस में आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस 2 का पावर 5, फिर यहाँ माइनस वाला भी है यह भी प्लस में आ जाएगा, सॉरी यह प्लस वाला है माइनस में चला जाएगा, माइनस में लॉग एक्स प्लस 1। ठीक है, और फिर आपका हो जाएगा, यह मोड रहने देते हैं, और फिर आपका हो जाएगा माइनस का लॉग x प्लस 3 का पावर 5। ठीक है, अब देखिए और प्लस में c, प्लस में c, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 12 लॉग, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो जो मल्टीप्लाई में है, माइनस में तो डिवाइड में चले जाएंगे ना, देखो यहाँ माइनस इन दोनों में कॉमन करोगे तो इनटू में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ बीच में माइनस होने के कारण यह ऊपर चला जाएगा x प्लस 2 का पावर 5 और यह दोनों नीचे आ जाएंगे माइनस होने के कारण, x प्लस 1 इंटू में x प्लस 3 का पावर 5 और प्लस में c, इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए अगला